ज्यादा छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो इट्स अ टर्म टू द मेजरमेंट ऑल्सो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये मेजरमेंट यूनिट भी है, जिसको मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट। इसका अगर हम बात करेंगे माइक्रो की बोलेंगे कह सकते हैं कोकस। कोई भी बैक्टीरिया
टोकाई, टी या किसी से चेन में होगा तो बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लस्टर झुंड में होगा एक ही जगह जैसे, उसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोक। ओके, स्टेफाइलोकोकाई को ही हम लोग निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया जो बहुत फेमस है बच्चों में होने के लिए, छोटे बच्चों में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, बट याद रहे अगर बैक्टीरिया का शेप सर्कुलर होगा तभी हम लोग कोकस या कोकाई टर्म यूज करेंगे। सेकेंड टर्म उठ करके आता है हमारा बैसिलस, बैसिलोकोक यानी कि रॉड शेप। रॉड शेप यानी कि अगर कोई भी बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप लंबा छड़ के नुमा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बैसिलस। ओके, जैसे कि कोकस में है वैसे बैसिलस में भी होगा, अगर सिमिलर होगा तो उसको बोलेंगे बैसिलस, एक से ज्यादा होगा तो बैसिलस। उसका एग्जांपल भी आपके बुक में दिया हुआ है, ये डेंजरस है। जो सेकंड शेप एंड स्ट्रक्चर में है वो है रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया उसको बोलेंगे जो छड़ नुमा। ओके, अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो अगर एक बैक्टीरिया होगा तो हम लोग बोलेंगे बैसिलस, अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे बैसिलस। ये डेंजरस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है, बहुत ही खतरनाक। ठीक, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल की जो डिजीज कॉज करता है हमारे बॉडी में वो है ट्यूबरक्लोसिस। आपका नाम टीबी का नाम सुना होगा, क्योंकि क्षय रोग बोलते हैं हिंदी। इस वक्त बहुत ही फेमस है ये, एक प्रकार का ये डिजीज है। इसके लिए आपको डॉट्स या मेडिसिन लेनी पड़ती है अच्छी, महीने 6 मंथ का ये प्रोसीजर होता है। ठीक, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का फुल नाम है डिजीज का। ओके, और ये ट्यूबरक्लोसिस इसी बैसिलस फॉर्म यानी रॉड शेप बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, इसके अलावा जो है डिप्थीरिया, टिटनेस, ठीक, इसी बैसिलस के फॉर्म में होता है। टाइफाइड जो है ये भी एक प्रकार का डिजीज है जो भी इसी बैक्टीरियम की वजह से होता है, रॉड शेप बैक्टीरियम की वजह से होता है। ओके, अगर हम बात करेंगे इन सारे डिजीजेस की, ठीक, तो इसके अलावा अगर चेन शेप बैक्टीरिया भी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स, जो डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेसिस बोलते हैं उसको। ठीक, ये आपका सेल एंड स्ट्रक्चर आज हम लोगों ने दो पढ़ा। पहला है हमारा सर्कुलर फॉर्म में यानी कि राउंड फॉर्म में राउंड शेप बैक्टीरिया, और सेकेंड है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया। बाकी का तो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।